वेलकम टू स्टडी फंडा दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारी आज की इस वीडियो में। दोस्तों, हमने कल एक वीडियो डाला था यूपीएससी सीआईएसएफ असिस्टेंट कमांडेंट एग्जीक्यूटिव लिप्टिन डिपार्टमेंटल कम्पिटिटिव एग्जाम के रिगार्डिंग, ठीक है। तो बहुत सारे बच्चों ने उस वीडियो को पूरा भी नहीं देखा था और कमेंट में बोलने लगे थे बच्चे कि सर हम तैयारी कर रहे हैं, बेसिकली वो वीडियो दोस्तों आपके लिए नहीं था, क्योंकि एक बहुत बड़ी कन्फ्यूजन बच्चों के बीच में है जिसको हम आज जो है दूर करने वाले हैं, ठीक है। देखिए, आपके दो एग्ज़ाम यूपीएससी कंडक्ट कराता है। एक एग्ज़ाम है यूपीएससी सीआईएसएफ असिस्टेंट कमांडेंट एलडीसीए एग्ज़ाम और दूसरा है यूपीएससी सीएपीएफ असिस्टेंट कमांडेंट डायरेक्ट रिक्रूटमेंट वाला है, ठीक है, जिसके आप जनरली तैयारी करते हो आप लोग, ठीक है। तो जो एलडीसीए का एक जो एग्ज़ाम है, ठीक है, और जो आपका डायरेक्ट एग्ज़ाम है, इनमें क्या अंतर है उसके बारे में हम बेसिकली आज बात करेंगे, ठीक है। तो जो आपका एलडीसीए का जो एग्ज़ाम है, जिसकी मैंने वीडियो कल डाली थी, ठीक है, तो उसमें सिर्फ वही लोग अप्लाई कर सकते हैं जो सीआईएसएफ यानी सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स, इसमें सब इंस्पेक्टर हैं या इंस्पेक्टर के रैंक पे ऑलरेडी वर्किंग है, यानी आप ऑलरेडी सर्विस में हो तो ही जो है आप इस एग्ज़ाम को दे सकते हो, ठीक है। और जो आपका सीएपीएफ असिस्टेंट कमांडेंट जो डायरेक्ट रिक्रूटमेंट वाला एग्ज़ाम है, उसे जो है कोई भी अप्लाई कर सकता है, कोई भी ग्रेजुएट है। और इस एग्ज़ाम के थ्रू आप डायरेक्ट बीएसएफ, सीआरपीएफ, सीआईएसएफ, एसएसबी और आईटीबीपी, इन पाँचों फोर्सेज में जो है डायरेक्ट रिक्रूटमेंट से आप असिस्टेंट कमांडेंट बन सकते हैं। इस एग्ज़ाम में आपका ऑलरेडी जो है सीआईएसएफ में जो लोग काम कर रहे हैं, सिर्फ सब इंस्पेक्टर और इंस्पेक्टर, एएसआई इसमें इंक्लूडेड नहीं है, ठीक है। तो इन दोनों रैंक्स के जो लोग हैं वो अप्लाई कर सकते हैं। इसके लिए भी इन्होंने कुछ टर्म एंड कंडीशन जो है यूपीएससी ने लगाई है, यानी डायरेक्टली मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स से जो है ये रिक्रूटमेंट की जाती है। यूपीएससी जस्ट एक कंडक्टिंग बॉडी है, ठीक है। तो ये जो एग्ज़ाम है लिमिटेड डिपार्टमेंटल कम्पिटेटिव एग्ज़ाम है, जैसे यहाँ पे बताया मैंने एलडीसीई, तो लिमिटेड डिपार्टमेंटल कम्पिटेटिव एग्ज़ाम का मतलब क्या होता है, सिर्फ डिपार्टमेंट के लोग ही इस एग्ज़ाम के लिए अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो आपके मन में जो डाउट है कि हम इस एग्ज़ाम के लिए एलिजिबल हैं या नहीं, तो जो लोग सीआईएसएफ में काम नहीं कर रहे हैं, यानी जो लोग कॉलेज पास आउट हैं या अभी आप तैयारी कर रहे हो, आप सर्विस में नहीं हो सीआईएसएफ की, तो आप इस एग्ज़ाम के लिए एलिजिबल नहीं हो। आप इस एग्ज़ाम के लिए एलिजिबल हो, ठीक है, जो कि आपका अभी 12 अगस्त को होने वाला है। सीआईएसएफ का एग्ज़ाम जो है बेसिकली मार्च में होता है आपका हर साल, और उसका जो नोटिफिकेशन है वो दिसंबर के आसपास आता है, नवंबर दिसंबर में, ठीक है। उसके बाद इस जो लिमिटेड डिपार्टमेंटल कम्पिटिटिव एग्ज़ाम है, इसमें आपकी जो है दो तीन टर्म एंड कंडीशन है वो मैं आपको बताना चाहता हूँ। सबसे पहली कंडीशन ये है कि आप सब इंस्पेक्टर और इंस्पेक्टर आपका होना बहुत ज़रूरी है, इन दो रैंक के लोग ही इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। दूसरा, आपकी मिनिमम 4 साल की सर्विस जो है वो होनी चाहिए, ठीक है, क्योंकि बिना 4 साल की सर्विस में आप इस एग्ज़ाम के लिए एलिजिबल नहीं होंगे। और इस वाले एग्ज़ाम में जो है आप डायरेक्ट, अगर फ्रेश कैंडिडेट है, आपने ग्रेजुएशन की है या फाइनल ईयर में है, तो आप एलिजिबल हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। और यहाँ पे जो आपकी एज है, आपकी एज जो है वो 35 ईयर्स तक होनी चाहिए। जैसे 2019 का जो नोटिफिकेशन आएगा तो उसमें 1 अगस्त 2019, ठीक है, तो इस तारीख को आपके जो है 35 ईयर्स से कम होनी चाहिए और आप ऑलरेडी सर्विंग होने चाहिए, सब इंस्पेक्टर या इंस्पेक्टर, और आपकी मिनिमम 4 साल की जो है सर्विस होनी चाहिए, इंक्लूडिंग ट्रेनिंग पीरियड, ठीक है। मान लीजिए आपका 1 साल की ट्रेनिंग होती है, उसके बाद अगर आपने 3 साल और पास कर लिए, यानी आपके टोटल 4 साल की सर्विस अगर हो गई है, तो इस फॉर्म के लिए आप एलिजिबल हो, ठीक है। यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है, आप अगर कॉलेज पास आउट हो या बीटेक किया, आपने कुछ भी किया है, कोई दिक्कत नहीं है, आप डायरेक्ट जो है जब भी फॉर्म निकलता है इस फॉर्म के लिए आप एलिजिबल हो, ठीक है। तो एक बहुत बड़ा डाउट था बच्चों के मन में, तो इस हमने जो वीडियो कल डाली थी वो हमने बेसिकली डिपार्टमेंटल कम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए डाली थी, क्योंकि देखिए मार्केट में जो है इस एग्ज़ाम से रिलेटेड कुछ भी अवेलेबल नहीं है, ठीक है, ना इसके प्रीवियस ईयर पेपर की कोई बुक है, उसके बाद ना कोई स्टडी मटेरियल की कोई बुक है। क्योंकि देखिए इस एग्ज़ाम में सबसे बड़ी दिक्कत क्या आती है, सीट्स बहुत कम है। जैसे इस बार मेरे ख्याल से टोटल यूपीएससी ने 20 या 30 बच्चों को जो है सिलेक्ट किया है, ठीक है, 30 या 40 बच्चों को इंटरव्यू के लिए। अब आप इंटरव्यू के बाद भी आप लगाइए, उनमें से अगर बच्चे कुछ निकाले जाएंगे तो हार्डली 15 से 20 जो है इसमें सीटें होती है। और इस फॉर्म में जो वुमेन कैंडिडेट है वो भी अप्लाई कर सकते हैं, अगर वो सब इंस्पेक्टर या इंस्पेक्टर के रैंक पे अगर फोर्स में है। और इसमें एक और चीज़ है, आपका जो मेडिकल है वो आपका बिल्कुल सही होना चाहिए इस वाले एग्ज़ाम में, ठीक है। इसमें तो आपका होता ही है, तो सब कुछ फ्रेश उससे किया जाता है, लेकिन इसमें ऑलरेडी आप सर्विंग हो तो आपका मेडिकल जो है वो बिल्कुल सही होना चाहिए। तो इस एग्ज़ाम के रिगार्डिंग हम और काफ़ी सारी वीडियो जो है हम डिटेल में लेके आएंगे, ठीक है। तो आप हमें वो लोग सिर्फ रिप्लाई कीजिए कमेंट में जो एलडीसीई एग्ज़ाम के लिए वो कर रहे हैं तैयारी, ठीक है, प्लीज़। और रिक्वेस्ट करता हूँ आपसे, जो जो लोग सीआईएसएफ एसी की तैयारी कर रहे हैं, उनका मुझे पता है बहुत सारे कैंडिडेट्स हैं, उनके रिगार्डिंग हम वीडियो डालते रहते हैं, आज सिर्फ वो लोग कमेंट कीजिए जो सिर्फ एलडीसीई की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, जो स्पेशल रिक्रूटमेंट एग्ज़ाम है। और अगर हो सके तो अपना आप एक कमेंट में ये जरूर लिखिए
LDCE, ठीक है। और अपना रैंक आप लिख सकते हैं, आप पोस्टिंग वगैरह मत बताइए, हमें उसकी कोई ज़रूरत नहीं है। आप अपना रैंक लिख सकते हैं लाइक SI या इंस्पेक्टर आपका जो भी रैंक है, ताकि हमें एग्जैक्ट पता चल सके आपने किस उसके लिए कमेंट किया है, ठीक है। तो इससे आपको ही बेनिफिट है, क्योंकि हमें एक एग्जैक्ट अनुमान लग पाएगा कि कितने बच्चे जो है तैयारी कर रहे हैं, उस हिसाब से फिर हम जो है स्ट्रेटेजी वगैरह की वीडियो हम जो इसकी लेके आएंगे। इस एग्ज़ाम के रिगार्डिंग जितनी भी इंफॉर्मेशन है, फॉर एग्ज़ाम्पल आपका नोटिफिकेशन की वीडियो जैसे डालेंगे कि आपका एग्ज़ाम का पैटर्न क्या है, क्योंकि इस एग्ज़ाम पैटर्न आपका क्या है, क्योंकि इस एग्ज़ाम के रिगार्डिंग जो है कोई भी इन्फॉर्मेशन अवेलेबल नहीं है। एग्ज़ाम का पैटर्न क्या है, किस टाइप के जो आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कितने नंबर का जो है आपका एग्ज़ाम होता है, इंटरव्यू कैसे होगा, फिजिकल क्राइटेरिया क्या है।